डेली है ये 1180 रुपीज़ का पड़ता है, जिसके थ्रू आप ये सारा गेम्स राइड एक्सेस कर सकते हैं सारे के सारे। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एसी के 173 व्लॉग्स में। और अभी इस वक्त बड़ा 5:30 बज गया है शाम के, और अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ एक मॉल जिसका नाम है लुलू हाइपर मार्केट प्लस मॉल भी है वो। और ये हमारे बेंगलोर में पहला ब्रांच है जो ओपन हुआ है जस्ट रिसेंटली। सो अभी जस्ट मैं वहीं जा रहा हूँ और देखूंगा कि मॉल कैसा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी है वहाँ पर, वो काम कर रहे हैं, वो पूरा मॉल का इंचार्ज है वहाँ पर प्लस, और वहाँ पर वो पहले मेरे साथ काम करता था जब 2015 में, लेकिन अभी वो हमारे कंपनी में काम नहीं कर रहा है। सो एक अच्छा खासा मैनेजमेंट संभाल रहा है वहाँ पर वो। सो जस्ट मैंने उससे 2 दिन पहले ही मैंने बात कर ली थी कि मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता देना मॉल के बारे में क्या क्या नहीं है। सो लेट्स गो, चलो निकलते मेरे साथ। और दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में दिखाई देगी, क्योंकि मैं अभी बैक टू बैक वीडियो बनाते जा रहा हूँ, और अभी आने वाला एक सैटरडे भी एक अच्छी ब्लॉग बनने वाली है मेरी। तो दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। दोस्तों, मैं अभी इस पर बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने की, तो धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, वीडियो कैसे बनाते हैं बोलते ना, एडिटिंग कैसे करते हैं यूट्यूब में, ये सब मैं सीख रहा हूँ, और अकेला ही हूँ बॉस, तो आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो थोड़ा भाई को सपोर्ट करोगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे भी। आप लोग बाकी लोग का ही वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरा भी देख लेना, तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर कुछ भी गलती करता हूँ बॉस, बेशक आराम से मुझे कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। अभी मैं फिलहाल वेदर भी अच्छा है, तो हमेशा बारिश ही बारिश गिरती रहती है। तो हाँ जी, अभी मैं धीरे धीरे मॉल के पास आ चुका हूँ, और ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, मतलब मेन मैजेस्टिक बेंगलोर सिटी का रोड है ये, ठीक है। और बहुत बड़ा स्टेशन है ये, ठीक है। सो मैं पीछे के रोड से आया हूँ, क्योंकि जो मैं जिस रास्ते से जाता हूँ मैजेस्टिक, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहती है, तो ये पीछे का जो रोड है, और संडे में ये रोड खाली रहता है, यूजली खाली रहता है, बट मैंने ये रोड सिलेक्ट किया है। और यहाँ से आप देख रहे हो सब्बे, और ये कनेक्शन हो रहा है सब्बे पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से मैजेस्टिक से वो मॉल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पे, आई थिंक सो 900 मीटर पे भी चल के जा सकते हैं, और ये मागड़ी रोड पे भी कनेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मागड़ी रोड और राजा जी नगर के तरफ है ये रोड, बट ड्यूरिंग बॉस आई थिंक जो तुम सैटरडे संडे आओगे ना शाम में, बहुत मतलब रोड पे ट्रैफिक मिलेगी, एकदम खतरनाक वाली गंदी वाली ट्रैफिक मिलती है। तो अभी धीरे धीरे मैं मॉल के करीब आ चुका हूँ, यहाँ पर सिग्नल है, अभी सिग्नल स्ट्रेट सीधा लेके लेफ्ट में जाऊँगा, और राइट हैंड साइड में मेरा मॉल रहेगा। जैसे पब्लिक काफ़ी देख रही थी कि भाई कौन है ब्लॉगर है ये वो, सब देखते रहते ना बहुत, उन्होंने पूरा नोटिफाई करते हैं, बाइक पूरा सेटअप पर आए हुए हैं ये। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मैं दुबई में जब गया था तभी मैं लुलू मार्केट वहाँ देखा था, लेकिन पता नहीं मैं कभी बैंगलोर में इतने साल से, लेकिन मैंने आज तक कोई मॉल तो देखा ही नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला यहाँ पर हमारा लुलू मार्केट हमारे बैंगलोर में भी। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है लुलू मार्केट, अभी हम नहीं जाने वाले, लुलू हाइपर मार्केट राइट हैंड साइड में, अभी बस यहाँ से सीधा जाएंगे और यूटर्न मार के सीधा मॉल के अंदर ही एंट्री करेंगे। और बहुत यहाँ पर रोड का हालत बहुत ख़राब है, आज पता नहीं मंडे ट्यूजडे वेनेसडे कैसा लोग यहाँ से अपना घर जाते हैं, बहुत ये सब लोकल आई टी जगह है, यहाँ पर इसमें कुछ खास लोग रहते नहीं है,
बट जो भी मॉल जगह पे बना हुआ है इट्स लाइक अ बिग थिंग। सो अभी मैं यहाँ से थोड़ा यूटर्न लेता हूँ। क्या मेरे सामने बोर्ड देख रहे हो? ये ग्लोबल मॉल भी, ग्लोबल मॉल बोलते हैं इसको, जो लूलू मार्केट का नाम है। अभी देखो यहाँ से यूटर्न लेने का बोला है, तो मैं यहाँ से यूटर्न लेता हूँ। और भाई ये ट्रैफिक, भाई ये रोड, माय गॉड। मेरा ये मॉल पे नज़र तब पड़ी थी जब मैं यहाँ से वेडिंग पे जा रहा था। मेरा मेरे साथ मेरे राव सर थे, उनने मुझे बताया था। उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि एक बार आऊँगा मैं। और ये रहा मेरा एंट्री। सो अब मैं सीधा एंट्री कर रहा हूँ। ओह काफ़ी डाउन में है, वाह। सो और मेरे सामने ग्लोबल मॉल दिख रहा है। सो चलिए जल्दी से पहले पार्किंग ढूंढ लेता हूँ। पार्किंग किधर है भाई, किधर है भाई, पार्किंग किधर है? ओ पार्किंग यहाँ है। तो अब हम पार्किंग करेंगे और मॉल का मुआयना भी करेंगे, ठीक है ना भाई? अरे भाई पार्किंग दे दो जल्दी। अरे भाई गॉड, यहाँ तो पार्किंग के नाम पे तो बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है भाई। मेरे को लग रहा है आधा घंटा मुझे यहाँ। तो भाई अभी इस वक्त मैं लुलू मॉल आ चुका हूँ, लुलू मार्केट। एक्चुअली ये हमारे बैंगलोर में पहला मॉल है जो बना हुआ है। यूजुअली मैं दुबई के वाले में गया था, लुलू मार्केट वहाँ ही फेमस है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे बैंगलोर में भी आ चुका है। सो अभी अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है क्या नहीं है। तो आप भी देख लीजिएगा ये मॉल कैसा है, फिर बाद में आपको इसके बारे में डिटेल देता हूँ। तो भाई हम तो इस वक्त लुलू मार्केट में आ गए हैं वैसे भी, और बहुत बढ़िया मॉल दिख रहा है ये। आई थिंक सो एंड सो फंटास्टिक। लुलू मार्केट एक्चुअली दुबई में ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी इंडिया में भी बना है। और आई थिंक तो रिसेंटली मॉल बना हुआ है। और बस हाँ, अभी हमारे बैंगलोर का गाइडलाइन थोड़ा चेंज हो गया है। सो मॉल में एंट्री करने से पहले आपको 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो मैंने दिखाया। और एक्चुअली आप देख सकते हो द लुलू मार्केट, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो यही। एक मिनट, पहले मैं मॉल चेक कर लेता हूँ कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। क्राउड भी सॉलिड है। इतना बड़ा मॉल भी नहीं है, छोटा मॉल है। तो यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसको भी मिलने वाला हूँ। तो मेरे साथ में कंपनी में काम करता था एंड ब्यूटीफुल। सो वी हैव टू चेक इट अप। अरे एक अलग ही मज़ा है यार। सो पहले काम करते, ऊपर तक जाके आते हैं हम लोग। पहले ऊपर तक जाके आएंगे, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ का शॉप है, लिवेस से लेके डिवाइस से लेके यूनाइटेड पैनाटॉन, बहुत सारा। अभी तो पूरी तरह से खुला नहीं है मॉल, लेकिन बिना खुलने से पहले पब्लिक इतनी सारी है। देखो भाई थोड़ा संभाल के आइएगा, बहुत क्राउड है वैसे भी। एंड आई थिंक सो तो हम लोग पहले ऊपर जाते टॉप तक। वैसे पब्लिक यार इतनी सारी है, तो आप देख रहे हो ना कि किधर से किधर आ रही पब्लिक। लेट्स गो अप, क्योंकि यहाँ से मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक पड़ता है। पता नहीं यार इसमें आवाज़ कैसे आएगा गोबर में, क्योंकि इतनी आवाज़ें आ रही है। इसके अंदर मैंने माइक भी फिक्स नहीं किया है, तो मैं अभी इस वक्त माइक खरीद रहा हूँ। अच्छा है यार एक नया लुलू मार्केट, सीरियसली बता रहा हूँ ना कि लाइफ में सिर्फ दुबई में देखा था मैंने, लेकिन अभी हमारे इंडिया में भी आ गया है। सो करंटली अभी इस वक्त बैंगलोर में देख रहा हूँ मैं ये। एंड देन ऑलवेज वेयर मास्क, दैट्स ट्रू, पहनना भी चाहिए। लेट्स गो। उस दिन एक्चुअली क्या हो गया, बैटरी को चार्ज नहीं किया, इसके लिए GoPro जल्दी बंद हो गया। लेकिन अभी पूरा चार्ज करके लाया हूँ, बहुत
दो तीन घंटे तक। सो बहुत सी मॉल मेरे लिए पूरा नया, मैं आया ही नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ मैं इधर। एंड इट्स लुक फैंटास्टिक, वाओ, इट्स लाइक अ लवली गेम जोन ओवर हियर। ये सब बच्चा लोगों के लिए है। वाओ, लुक एट दिस। देखो ये गेम जोन है यार, ओह माय गॉड, लेट्स गो। ज़्यादा ही क्राउड लग रहा है यार, ओह माय गॉड।
मेरी वाइफ खेल रही है। जाएगा 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 जाएगा। ओह माय गॉड, अरे तुमने मेरा ही दो राउंड खेल लिया। अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है। पहली बार कह रही मेरी वाइफ इसके लिए। चलो चलो चलो, तुम्हारा ही राउंड है। एक मिनट रुको, हाँ ले लो, फोर्स डालो, थोड़ा फोर्स रहना है भाई। पहली बार कह रही है उसको, मैं ही कर रहा हूँ। वेरी बैड। हेलो तो भाई, अभी जस्ट हम लोग वो इतना बड़ा क्राउड से बाहर निकले, घुटन सी हो रही थी बिकॉज एसी नहीं वर्किंग हो रहा है। और अभी इस वक्त मैं फूड कोर्ट जंक्शन पे आया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा हट से लेके सब कुछ है। मैकडोनल्ड है, वाओ चाइना है, पूरा है पिज़्ज़ा। और अभी इस वक्त मैं अपने एक दोस्त को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो बहुत साल के बाद मिल रहे हैं दोस्त को, क्योंकि वो मेरे कंपनी में काम करता है, बट ही इज़ इंचार्जिंग दिस एंटायर मैनेजमेंट। सो वंस ही कम्स, सो मैं आपको इसको वीडियो में मिलाता हूँ। वो इधर ही आने वाला है, तो एक मिनट रुको, मैं चेक कर रहा हूँ किधर है। इफ ही कम्स, लुक दिस गाय इज केव, ये है मेरा दोस्त चार्ल्स। हाउ आर बडी चार्ल्स? माय हाय शिल्पा, माय वाइफ। हाउ इज गोइंग ऑन मैन? गुड गुड मैन। टेरिबल Terrible, man. This is less. भाई एक बात बताओ ना, चार्ल्स हम लोग आज से 2015 में काम किए थे, एंड 2016 टिल वी वर्क्ड इट, एंड 2017 हाँ 17 ही लेफ्ट। सो अभी चार्ल्स इधर इस जगह का पूरा मैनेजमेंट संभालता है, एंड सबसे बड़ी बात है कि बहुत साल के बाद मिला हूँ मैं इसको। नंबर हो की भी नंबर मैंने कॉल नहीं किया। सो अभी आई थिंक सो अभी मैं थोड़ा इसके साथ बातचीत करता हूँ, फिर आपको आगे को बता दो, ठीक है? तो भाई ये देखो, ये है लुलू मार्केट, दुबई में इसी का ही ब्रांच है, लेकिन अभी ये ब्रांच हमारे इंडिया में भी आ गया है और काफ़ी बड़ा है। फिलहाल मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कुछ ख़रीदने का मूड नहीं है। जब मेरे को मूड होगा मैं आके कुछ ख़रीद लूँगा। अभी सिर्फ जस्ट मॉल देखने आया हूँ, बहुत स्मॉल, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, स्मॉल मॉल। और दूसरी बात यह है, फ़िलहाल क्राउड बहुत सॉलिड है यहाँ पर, तो अभी वो डर के मारे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कम इन द मेन टाइम लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ऐसे टाइम पे ही मैं आऊँगा। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, अभी संडे है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अभी न्यू वेरिएंट आ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं घर जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ बात का बात घर पे ही जाके, ठीक है? सही बार मैं घर पहला पूछता हूँ। तो भाई अभी इस वक्त मैं घर जस्ट पहुँचा हूँ, इतनी ट्रैफिक थी ये संडे के दिन भी, क्या बताऊँ मैं, टायर्ड हो गया अभी जस्ट। आई थिंक सो बहुत साल के बाद मैं ऐसा मॉल में जा रहा हूँ, मतलब हमेशा जाते रहा हूँ लेकिन आदत नहीं है ना भीड़ भाड़ में। सो इतना क्राउड था, सो चलो पहली बार है कोई बात नहीं, लुलू मार्केट तो मुझे देखना था। सो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। और दूसरी बात ये बॉस, कि मॉल में जाने के लिए आपको वैक्सीन का डोज सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा, जो अभी मैंडेटरी हो गई है सब जगह, क्योंकि बैंगलोर में हमारा न्यू फ्रेश गाइडलाइंस आया, तो हमें फॉलो करना है। और दूसरी बात, पार्किंग बहुत ख़राब है वहाँ पर अभी फ़िलहाल, सॉरी, क्योंकि वो इसके लिए, क्योंकि अभी जस्ट मॉल रेडी हुआ है, सो पार्किंग के लिए अभी तक उनका कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। सो आप ज़रा देख लेना, हो सके तो भारी पार्क कर लेना, कोशिश कर लेना। और दूसरा बात यह है, मॉल अभी फ़िलहाल बन रहा है, अभी इतना पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, सो जब रेडी होगा तो और भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद और क्या बोलूँ मैं, मॉल तो मॉल ही होता है, पब्लिक तो पागलों की तरह यहाँ हुआ, मैं तो बस रोल हो रहा था अंदर। और दूसरी बात क्या बोलूँ, मैं टायर्ड हो गया यार, मतलब बहुत साल के बाद ऐसे मॉल में जा रहा हूँ, मतलब इतना क्राउड, भीड़ मुझे पसंद नहीं था, लेकिन क्या करूँ, मेंटल वगैरह कुछ सूझ नहीं, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं। और भाई सॉरी बस, मेरा डैशिंग का खेल था, उसके अंदर मेरी गोप्रो ही बंद हो गई, पता नहीं क्यों, क्या काई के लिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन पता नहीं, लेकिन बाद में गोप्रो शुरू हो गया, लेकिन बोलता ना मेरा टाइम ख़राब चल रहा था उस टाइम पे, सॉरी। बाकी सारे आप देख सकते वीडियो में। सो अगर कुछ भी अगर रिलेट होगा तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज़रूर, और कमेंट करना, ठीक है? सो आपके लिए अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, तो मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।